स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो, बी नाट्य नाटक सम्मान, सी अकादमी कुरान, डी संगीत नाटक रत्न। आंसर ए अकादमी रत्न अकादमी फेलो। एक्सप्लेनेशन, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप राष्ट्रीयता, नस्ल, जाति, धर्म, पंथ या लिंग के भेद के बिना संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अकादमी की फेलोशिप सबसे प्रतिष्ठित एवं दुर्लभ सम्मान है, जो एक बार में अधिकतम 40 लोगों को दी जा सकती है। अगला प्रश्न, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है? ए LVM3, बी गगनयान, सी आदित्य 1, डी चंद्रयान। आंसर बी गगनयान। एक्सप्लेनेशन, भारत अपने पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के साथ अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ खगोलीय वाहन है। गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन करेंगे। सभी 4 व्यक्ति भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। अगला प्रश्न, किंग चार्ल्स 3 के तहत मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? ए रतन टाटा, बी नरेंद्र मोदी, सी सुनील भारती मित्तल, डी सचिन तेंदुलकर। आंसर सी सुनील भारती मित्तल। एक्सप्लेनेशन, भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। आंसर डी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित की गई है, जिसका अनावरण 1 मार्च को किया जाएगा। ये घड़ी भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को शहर के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित इस घड़ी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? ए गृह मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आंसर सी शिक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है।